आप देख रहे हैं फास्ट समाचार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को 14 अप्रैल तक लॉकडाउन करने के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में सभी जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है। उसी कड़ी में शिवपुरी जिले को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। वहीं शिवपुरी जिले के करेरा तहसील में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जी हाँ, लापरवाही हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करेरा तहसील में करीब 40,000 लोगों की जनसंख्या है, जिसके लिए करेरा प्रशासन ने अनाज मंडी में सभी सब्जी के थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी फल व्यापारियों को एक साथ बिठा दिया है। वहीं अगर हम करेरा मंडी की बात करें तो शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर मंडी है और उस मंडी में इस तरह से सब्जी और फल व्यापारियों को बिठाना अपने आप में बड़ी लापरवाही दर्शाता है, क्योंकि 40,000 लोगों की जनसंख्या में जाहिर सी बात है कि एक जगह सब्जी बिकेगी तो भीड़ होगी ही। वहीं एसडीएम मनोज गरबाल का कहना है कि यहाँ भीड़ कम से कम होगी और हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग घरों से बाहर ना निकलें। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ भीड़ कम होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन क्या कंट्रोल कर पाएगा, क्या कम भीड़ देखने को मिलेगी, ये अब देखने वाली बात होगी। ये कोरोना के चलते हम लोगों ने शहर में भीड़ नियंत्रण के लिए एक उपाय के रूप में किया है। थोक विक्रेताओं के द्वारा जो 2-3 दिन से लगातार जो भीड़ था उसको दूर करने के लिए और शहर में जो सोशल डिस्टेंस का जो है उसका पालन कराने के लिए हम लोगों ने इसे यहाँ विस्थापित किया है। कई दुकानदार छोटे कारोबार यहाँ आएंगे और शहर में जो भीड़ की स्थितियाँ उत्पन्न हुई है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी इससे। तो शहर में सब्जी एक ही जगह बिकेगी आपको? ये हम लोग प्लान कर रहे हैं, अब देखते हैं उसमें कहाँ तक ये सफल हो पाता है। कल के दिन आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, इसमें कई हम लोग और परिवर्तन करेंगे और जहाँ तक हो कोरोना को देखते हुए हम लोग भीड़ नियंत्रण